नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे 2020 वर्ल्ड कप का 20वां मैच, ठीक है, इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच में आज खेला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट जो 5 मैचेस हुए हैं उनके रिकॉर्ड क्या रहे हैं इन दोनों टीमों की, ठीक है। तो इंग्लैंड ने लास्ट 5 में से 4 विन किए हैं, एक का कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। वहीं आयरलैंड ने 3 विन किए हैं, 2 लॉस किए हैं लास्ट 5 मैचेस में से, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपको वीडियो में क्या क्या मिलने वाला। तो वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट, रेसेंट फॉर्म, ट्रंप प्लेयर, ड्रीम इलेवन टीम, 4 टिप्स आपको मिलेगी, तो वीडियो बने रहे, ठीक है। उससे भी पहले आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं टेलीग्राम पर आपको चल के बता देता हूँ। आपको टेलीग्राम पे आना है, लव या फिर लव क्रिकेट या लव क्रिकेट 05 करके सर्च करेंगे तो जो चैनल दिखेगा लव क्रिकेट के नाम से, एक ही चैनल है, इसको ही आप सब्सक्राइब कर लें, यही मेन चैनल है हमारा और इस पर ही आपको फाइनल टीम अपडेट करके मिलेगी, ठीक है। और एक और चैनल है जिससे आपको जुड़ना है, तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ जिससे आप जुड़ जाएँ। तो यहाँ पे एक फैंटेसी कैप के नाम से चैनल है, फैंटेसी कैप @फैंटेसी कैप सर्च करेंगे, फैंटेसी कैप सर्च करेंगे तो ये आपको सिंबल दिखेगा रेड ब्लैक कलर का, और फैंटेसी कैप के नाम से एक चैनल दिखेगा, यही मेन चैनल है, इससे ही आप जुड़ जाएँ, ठीक है। तो इस पर भी फाइनल टीम आपको, दोनों ही चैनल पर आपको फाइनल टीम मिलेगी, तो इससे जुड़ना मत भूले, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा। तो वीडियो में सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। पिच रिपोर्ट, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आज का मैच खेला जाएगा, ठीक है। आज के दोनों ही मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे, और चूंकि ये पिच बैलेंस है, ठीक है, और बॉलिंग फर्स्ट यहाँ पर विन करती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट मैच ऑन दिस पिच यहाँ पर पाकिस्तान ने 159 रन बनाए थे 8 विकेट पर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए, वहीं सेकेंड इनिंग में इंडिया ने 160 रन बना दिए और विन कर लिया इस मैच को 6 विकेट पे, ठीक है। तो यहाँ से पिच रिपोर्ट आपको पता चल गया, ठीक है, बैलेंस है, यहाँ पे विकेट गिरने के थोड़े फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा चांस है, सेकेंड इनिंग में थोड़े कम विकेट गिरते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिसेंट फॉर्म की, तो रिसेंट फॉर्म किसका बढ़िया है, किसका एवरेज है, ठीक है। यहाँ से इन फॉर्म प्लेयर मैंने अलग लिखे हैं, एवरेज प्लेयर अलग लिखे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन फॉर्म प्लेयर में कौन कौन से हैं, तो यहाँ से जॉस बटलर हैं, सैम करन है, मार्क वुड हैं, क्रिस वॉक्स हैं, बेन स्टॉक हैं, डेविड मलान हैं, कुर्ती कैम्फर हैं, लियाम लिविंगस्टोन है, ठीक है। ये 8 प्लेयर हैं जो आपके ड्रीम इलेवन टीम में रहने चाहिए, जिनका फॉर्म बहुत बढ़िया है, ठीक है। वहीं से एवरेज प्लेयर जो हैं, यहाँ से पी स्टर्लिंग हैं, ए हेल्स हैं, जे लिटिल हैं, एच टेक्टर हैं, एम एडायर हैं, एल टक्कर हैं, जी डेलनी, जी डॉक्रेल, एच ब्रुक, पी साल्ट, डी वैली, सी जॉर्डन, एल वुड, एफ हैंड आर्गलिसन, ये जो प्लेयर हैं एवरेज पिक रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज और आपको इन फॉर्म प्लेयर आपको मिल गए, जो ड्रीम इलेवन टीम में रहेंगे इधर के प्लेयर रहेंगे, एवरेज प्लेयर इधर रहें, ठीक है। एवरेज प्लेयर में से मेन जो प्लेयर हैं वो आप रख सकते हैं, जिनका फॉर्म अभी बढ़िया नहीं है बट हो सकता है इस मैच में अच्छा कर जाए, ठीक है। तो एवरेज प्लेयर में जैसे पॉल स्टर्लिंग का तो कोई गारंटी नहीं है, चूँकि बैलेंस पिच है, यहाँ पे आउट भी हो सकते हैं, खेल भी सकते हैं, थोड़ा रन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बना सकते हैं। एलेक्स हेल का भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जे लिटिल का चांस है, यहाँ पे विकेट ले सकते हैं, ठीक है। एच टेक्टर का कोई गारंटी नहीं, या मडायर जो है बॉलर्स का ज़्यादा यहाँ पे गारंटी है कि यहाँ पे विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, या मडायर हो गए, जे लिटिल हो गए, ठीक है। यहाँ से जी डेलनी हो गए, और जी डॉक्रेल एवरेज बैट्समैन रहेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको सी जॉर्डन अगर खेलते हैं तो ये भी विकेट लेने के चांसेस इनके रहेंगे, एल वुड अगर खेलते हैं तो इनके भी चांसेस रहेंगे, या फैंड अभी खेल नहीं रहे हैं बट अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए, इनका फॉर्म बहुत बढ़िया है, अगर खेलते हैं तो उनको ज़रूर पिक करें। आर्गलिसन एवरेज रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको इन फॉर्म प्लेयर, एवरेज प्लेयर दोनों पता चल गए। अब हम बात करेंगे यहाँ से ट्रंप प्लेयर कौन सा रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम चलेंगे ड्रीम इलेवन टीम पे, और वहाँ पे मैं आपको ड्रीम इलेवन टीम और ट्रंप प्लेयर दोनों ही आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए ड्रीम इलेवन पे, तो हम आ गए ड्रीम इलेवन टीम पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन से प्लेयर ट्रंप आपके लिए रहेंगे, ठीक है। तो ट्रंप प्लेयर पहले देखते हैं, उसके बाद ड्रीम इलेवन टीम की बात करेंगे। तो आपके लिए बैटिंग सेक्शन से एल लिविंगस्टोन है, जो इनके साथ लोग 36% जो लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए ट्रंप होंगे, अपोनेंट के पास कम मिलेंगे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर पिक करें, ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करेंगे, ठीक है। यहाँ से लिविंगस्टोन हो गए, हम बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से। तो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर मोइन अली है, ठीक है।
जिनके साथ अभी 19% लोग जा रहे हैं। इनका फॉर्म बहुत ही घटिया है, बहुत ख़राब है लास्ट 5 मैचेस में, ठीक है। अगर फॉर्म में आते हैं तो इस विकेट पे हो सकता है अच्छे खासे विकेट ले जा सकते हैं, और तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग करने आएंगे तो अच्छे रन बना के जा सकते हैं। तो आपके लिए ट्रंप रहेंगे आज के मैच में, ठीक है। इनको GL में ज़रूर पिक करें, स्मॉलिंग में नहीं तो GL में ज़रूर इनको पिक करें। रिस्क लेना चाहें तो स्मॉलिंग में जा सकते हैं इनके साथ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नीचे जी डेलेनी है। जी डेलेनी के साथ लोग 35% लोग जा रहे हैं। चूँकि ये पेस बॉलर का ग्राउंड है, यहाँ पे स्पिनर्स का कोई उतना खास चलने वाला नहीं, बट हो सकता है ज़्यादा विकेट कोई भी प्लेयर ले सकता है, हो सकता है स्पिनर्स भी ज़्यादा विकेट लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से जी डेलेनी के साथ आप GL में रिस्क लेना चाहें तो इनको कैप्टन बना सकते हैं, हो सकता है बंडल में विकेट लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जी डेलेनी आपके लिए ट्रंप रहेंगे GL के लिए। SL में इनको मत लें, ठीक है, SL में कोई लेने वाला नहीं इनको। उसके बाद हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन से। तो बॉलिंग सेक्शन से एक ही प्लेयर अभी के लिए है जो अभी खेल नहीं रहा है, खेला तो इनको ज़रूर ले, ठीक है। लास्ट 5 मैचेस इनका बहुत ही बढ़िया रहा है और इनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो एफ एंड को आप ले सकते हैं अगर लाइनअप में खेलते हैं तो, GL में इनको कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई खेल नहीं रहा है, कोई खेलता है तो ले सकते हैं, यहाँ से सब एवरेज पिक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम क्या रहने वाली है। तो ड्रीम इलेवन टीम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि ड्रीम इलेवन टीम हमारी क्या रहेगी। तो विकेट कीपर सेक्शन से यहाँ जॉर्ज बटलर के साथ हम जाएंगे, ठीक है। एल टक्कर के साथ नहीं जाएंगे, अगर जाना है आपको जा सकते हैं, बट यहाँ से जॉर्ज बटलर के साथ जाएंगे। आयरलैंड की टीम हो सकता है ऑल आउट हो सकती है इस मैच में, ठीक है, या फिर बढ़िया भी खर्च कर सकती है। अगर कोई बैट्समैन टिक गया तो अच्छे खेल सकते हैं, बट मेरे को लग रहा है इस मैच में ऑल आउट हो सकती है, ठीक है, अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तब। तो यहाँ से जॉस बटलर को लिए बैटिंग सेक्शन में जाएंगे। तो बैटिंग सेक्शन में यहाँ देख लीजिए पॉल स्ट्रीन के लोग जा रहे हैं, तो इनको ही लें आप स्मॉलिंग में, बट GL में इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनको लें। डेविड मलान को मैं लेने वाला हूँ, डेविड मलान का फॉर्म अच्छा है, LXL एवरेज है, वहीं पे पॉल स्टीलिंग भी एवरेज है, बट अभी के लिए पॉल स्टीलिंग के साथ जाता हूँ। हैरी टेक्टर को हम लाइन पाने के बाद ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, अच्छे रन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी डॉक्रेल हैं, नीचे आएंगे, अगर नीचे आते हैं तो खेलने के इनके चांसेस हैं थोड़े बहुत, अच्छे रन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लिविंगस्टोन के साथ मैं जाने वाला हूँ, ए बल्बरिन को अभी के लिए ड्रॉप करते हैं, एच बुक को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से। ऑलराउंडर सेक्शन से मोइन अली के साथ लोग कम जा रहे हैं, तो अभी इनको स्मॉल लीग में लेने का कोई इतना चांस नहीं है। बेन स्टॉक के साथ जाएं आप, यहाँ से बेन स्टॉक लें, यहाँ से सैम करन, सी कैंपर, ये 3 मेन प्लेयर हैं आपको लेना ही टीम में है। उसके बाद मोइन अली का अगर ऊपर नीचे खेलते हैं तो इनको ज़रूर ट्राई करें कि हो सकता है इस मैच में बॉलिंग भी करा सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद नीचे हैं सिमी सिंह उतने खास नहीं रहेंगे SL के लिए। जी डेलेनी ट्रंप रहेंगे, लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में सी वॉक्स के साथ मैं जाने वाला हूँ, अच्छे विकेट टेकर बॉलर हैं, हो सकता है इस मैच में ज़्यादा विकेट लेके जा सकते हैं, ठीक है। राशिद के साथ मैं जाने वाला नहीं, फॉर्म में नहीं है और इस ग्राउंड पर विकेट लेने के उतने चांस नहीं है, आप GL में इनको ले सकते हैं। उसके बाद मार्क वुड के साथ जाने वाला हूँ, मार्क वुड भी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा विकेट चटका सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जे लिटिल के साथ आप जाएं या फिर मार्क डायर के, दो प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेसर्स का ग्राउंड है, यहाँ पे विकेट लेने के इन दोनों के चांसेस रहेंगे थोड़ा। उसके बाद सी जॉर्डन खेल नहीं रहे, खेलते हैं तो इनको ज़रूर ट्राई करें। जी हमें भी खेल नहीं रहे, इनको खेलते हैं तो ट्राई करें। डी वैली भी खेल नहीं रहे, खेलते हैं तो ज़रूर ट्राई करें। ये सब एवरेज प्लेयर हैं, विकेट चटका सकते हैं, पेस बॉलर हैं, तो अगर खेलते हैं तो लाइनअप में इनको ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद BCM कार्ते हैं जो अभी फॉर्म में नहीं है, इनको ड्रॉप कर दें अपनी टीम से। टीम मिल्स खेलते हैं तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। एफ एंड खेलते हैं तो इनको ट्राई करें ज़रूर, SL में भी ट्राई कर सकते हैं, इनका फॉर्म बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऑलफर्ट हैं तो इनको भी आप अगर खेलते हैं तो GL में ट्राई करें, यलवुड को भी GL में ट्राई करें, ठीक है। आर्गलिसन को भी GL में ट्राई करें, एवरेज प्लेयर है दोनों के दोनों, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी टीम रही आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है। तो यहाँ से कैप्टन सैम करन को ही बनाएं, वेन स्टॉक को बना सकते हैं कैप्टन, ठीक है।
कैप्टन वाइस कैप्टन बेन स्टोक सैम करन को बना सकते हैं या फिर सैम करन सी कैम्पर को बना सकते हैं। ठीक है, तो सी कैम्पर सैम करन के साथ मैं जाने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो बेन स्टोक को बना सकते हैं, बट मैं अभी के लिए सी कैम्पर के साथ जाता हूँ। और बाकी के जो और कैप्टनसी ऑप्शन है तो ऐसे में डायर हैं, जेली टूल हैं, सी बॉक्स हैं, एम वुड हैं। ये चारों प्लेयर बेस्ट रहेंगे सी वी सी के लिए। ठीक है, तो आपके सामने जो है हमारी टीम स्मॉल लीग की क्या टीम रहेगी आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, यहाँ से सैम करन को मैंने कैप्टन बनाया, वी सी बनाया, सी कैम्पर को। ठीक है, आप बेन स्टोक के साथ जा सकते हैं और यहाँ से नीचे चारों प्लेयर को आप सी वी सी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर बनाना है तो डेविड मिलान को भी बना सकते हैं, जॉस बटलर के साथ लोग जा रहे हैं, जॉस बटलर को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस पिच है तो यहाँ पे मैं सैम करन और सी कैम्पर के साथ जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल टीम है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। ओके, थैंक यू।